फाइनली द मच अवेटेड मूवी ऑफ एसआर के डंकी आ चुकी है। तो मूवी का ट्रेलर डॉप 1, 2, 3 और 4 देख के पता लग ही गया था मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है। तो हम देखते हैं इस मूवी का कैरेक्टर अपना देश छोड़कर बहुत से सपने एंड रीजंस होते हैं जिसके कारण ये लंदन जाना चाहते हैं, लेकिन नाकाम कोशिश करने के बाद भी इन्हें वीजा नहीं मिलता। तो इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है लंदन जाने का, वो भी डंकी मार के। डंकी आखिर होता क्या है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। बहुत समय पहले हमें कहीं जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जब से वीजा वगैरह बनना स्टार्ट हुआ है, अगर आप वेल एडुकेटेड हो या आपके पास पैसा हो तभी आपको वीजा मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलने वाला। एंड जो अफोर्ड नहीं कर पाते और पढ़े लिखे नहीं होते वो डंकी का सहारा लेते हैं, मतलब कि इलीगल तरीके से छुप छुपा कर दूसरे देश में घुसना। और इसी बीच अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको टेररिस्ट समझकर मार दिया जाएगा या फिर हमेशा के लिए जेल में बंदी बनाकर रख लिया जाएगा। तो उसी चीज को हिरानी सर ने मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। जब हमने इनको नहीं रोका था तो ये कौन होते हमको रोकने वाले। चल वे वतना फेर मिलांगे के लंबी बात करांगे। लंदन जाने तक के बीच में इन लोगों ने किन किन परेशानियों और कष्ट को झेल कर वहाँ तक पहुँचे हैं बेसिकली आपको मूवी में देखने को मिलेगा। एंड वो सारी चीजें देखकर आप सच में इमोशनली अटैच कर पाते हो मूवी से। तो भाई ये सब देख के कहीं ना कहीं आप सच में फील करते हो यार क्या ही मूवी बनाई है। स्पेशली विकी कौशल के कैरेक्टर ने क्या ही इम्पैक्ट छोड़ा है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, कोलन, सेमीकोलन, कॉमा से फुल स्टॉप। भाई लिटरली आप उस बंदे से कनेक्ट कर पाते हो। तो देखो यार राजकुमार हिरानी सर की मूवी है तो आपको कॉमेडी, इमोशंस और ड्रामा डेफिनेटली देखने को मिलेगा। कॉमेडी, इमोशंस और ड्रामा इन तीनों को एक मूवी में कैसे प्रेजेंट करना है? कोई इनसे सीखे, सीखे इनसे सीखे। जस्ट लाइक इनके पहले की मूवी मुन्ना भाई MBBS, PK, 3 Idiots इनमें देखने को मिला था। हिरानी सर 5 साल में एक बार आते हैं एंड अपना काम करके निकल जाते हैं। हिरानी सर ने यह भी कहा था कि डंकी मूवी 3 Idiots से बहुत अच्छी होने वाली है। तो देखो यार मेरा ये ओपिनियन है कि 3 Idiots की लेवल की तो नहीं है, परफेक्ट नहीं बोलूंगा, बट अच्छी मूवी है। इतने मारदार मूवीज के बीच एक ऐसी मूवी आई है जो आपको हंसा सके, इमोशनल कर सके। सजेस्ट करूंगा फैमिली के साथ जाओ और एंजॉय करो मूवी को। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए देखते रहिए सिनेवर्स।